दोस्तों, आपके द्वारा खाया गया फूड कॉम्बिनेशन आपके पाचन तंत्र पर किसी न किसी तरह असर जरूर डालता है। आज के समय में हम फूड्स को लेकर कोई न कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिससे कारण वह हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है, जिससे आप कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हर भोजन का अपना स्वाद पाचन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए भोजन संयोजन भी बहुत महत्व रखते हैं। जब अलग अलग दो फूड्स आपस में मिलता है तो एंजाइम प्रणाली को बाधित कर सकती है। इसके साथ ही आपके शरीर में विषाक्त तत्व अधिक मात्रा में बन सकते हैं, इसलिए अगर आप किसी भी फूड को अकेले खाते हैं तो उसका आपके शरीर पर अच्छा असर पड़ता है। खराब फूड कॉम्बिनेशन आपको अपच, गैस जैसी कई समस्याओं दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको सर्दी, जुकाम या एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह नींबू के साथ ही कई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार जानिए ऐसी चीजों के बारे में। नींबू और पपीता के साथ नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपका हीमोग्लोबिन इंबैलेंस हो सकता है, इसके साथ ही एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। बच्चों के लिए यह कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक है। नींबू और दही। आयुर्वेद के अनुसार दही के नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स को खट्टे फलों में मिलाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है, इसके साथ ही अधिक विषाक्त पदार्थ पैदा होंगे, सर्दी, जुकाम, साइनस या एलर्जी का भी सामना करना पड़ सकता है। दूध और नींबू। दूध के साथ खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके कारण आपको बदजमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सलिए दूध पीने के करीब एक घंटे पहले या बाद में नींबू खाएं। नींबू और टमाटर। आमतौर पर सलाद में नींबू का अधिक इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार टमाटर पर अधिक मात्रा में नींबू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे शरीर के पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।